नमस्कार, मैं काजल निषाद। सबसे पहले जो बिहार में एक और संकट आया है, एक और आपदा आई है, आकाशीय बिजली गिरने से हमारे बिहारी भाई बहन 83 लोग जो विनम्र श्रद्धांजलि, स्तब्ध हो जाती हूँ मैं। बिल्कुल शब्द नहीं रहते मेरे पास कि मैं एक और संकट के लिए और एक आपदा के लिए क्या बोलूँ। भगवान बस उनके परिवार को शक्ति दे। और बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो गया है, तो काफ़ी लोग जो मेरे बारे में जानते नहीं हैं, तो मैं अपना परिचय दे दूं कि मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुई हूँ, गुजराती परिवार में, और शादी मेरी निषाद परिवार में हुई है। मैं भोजपुरी अभिनेत्री नहीं हूँ दोस्तों, मैं अभिनेत्री हूँ। मैंने 6 से 7 भाषाओं में काम किया है, गुजराती, हिंदी, मराठी, उर्दू, बंगाली, मारवाड़ी, ऐसे 6-7 भाषाओं में मैंने काम किया है। मैं सिर्फ अभिनेत्री हूँ, ठीक है। और कमेंट तो अभी भी चालू ही है, भक्तों को सुधारने का जो बीड़ा हमने लिया है, सुधारेंगे सुधारेंगे। पहले क्या होता था, मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाती थी, धार्मिक वीडियो बनाती थी, उस पे भी ये साले गंदी गालियां लिखते थे। पहले मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं रात रात भर सोचती थी कि मैं ऐसा क्या करूं, मैंने ऐसा क्या किया है कि ये मुझे गालियां देते हैं। उसके बाद भारत की नारी जग गई, ऐसा वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो गई भक्तों, कि अब तुम देख लो, एक गाली मुझे लिखते हो तो मेरे जितने भारतवासी हैं जो मेरे साथ हैं वो तुमको जवाब देते हैं। अब मैं बहुत खुश हूँ। और तुम लोग कैसे हो भक्तों सालों? हाँ, दर्द तो हो रहा होगा। हाँ, काजल निषाद आ गई है लाइव, अब तो हो रही होगी कंप कंपाहट, भड़बड़ाहट, जरजराहट, जल जलाहट, पीछे से मुत मुतावन, हग हगाहट, पद पदावट हो रही होगी। हाँ, बर्नोल रखना बेटा अपने पास, टेंशन न लो। और एक भक्त ने मुझे लिखा है, मेरे बारे में जानता तो नहीं है बेचारा, इन लोग की गलती यही है, ये जानते कुछ नहीं है लेकिन लिख देंगे, बस मोबाइल हाथ में आ गया है, लगे चलाने। मेरे बारे में लिखा है, ये एकता कपूर के घटिया सीरियल की घटिया अभिनेत्री है। तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे बुद्धिशाली बुद्धिजीवी भक्त, मेरे भाई, मैं तुम्हें बता दूं कि मेरा बायोडाटा पूरा चेक कर लेना, एक एकता कपूर की सीरियल नहीं की है मैंने। हाँ, अभिनेत्री होने के नाते मैं ऑडिशन देने गई थी वहां पे, लेकिन वहां पे भी कुछ दल्ले बैठे थे जिन्होंने कुछ शर्तें रखी मेरे सामने और मैंने माना नहीं। मैं एकता कपूर की एक भी सीरियल में नहीं हूं, इसका अर्थ यही होता है कि मैंने उनकी शर्तें नहीं मानी, इसलिए मैं नहीं हूं सीरियल में। लेकिन भक्तो, तुमरी अम्मा याद है? हाँ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, किसकी सीरियल थी? एकता कपूर की। तो एकता कपूर की घटिया सीरियल की घटिया अभिनेत्री कौन हुई, बूझो तो जाने। बात करो मत, तुम महिला से बात करने काबिल नहीं रहे हो, सब पहचान लिया, सबने पहचान लिया, बहुत वायरल हो रहा है वीडियो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर हमारे विनय दुबे भैया, आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा भाई होना चाहिए।
हर भारतीय नारी का भाई ऐसा होना चाहिए। सीखो इनसे अंध, नहीं, विनय भाई मैं नहीं बोलूंगी जो आप बोलते हो, मैं कहूंगी अंध भक्तों सीखो। हाँ, और हमने कहा था ना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का नड्डा का चड्डा तो अंधभक्त ही उतार देंगे। अब आप कहेंगे कि अंधभक्त क्यों उतारेंगे अपने नेता का चड्डा, तो मैं बता दूं कि कुछ मेरी तरह ऐसे तिलकधारी जो बीजेपी के जो अंधभक्त है, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं ना, उनको चोट लगी होगी जब नड्डा जी कहे कि मोदी जो है वो देवताओं के नेता है। अच्छा, हाँ, कहाँ, कब, कौन कहा? देवताओं के नेता बनाओगे तुम? इंसान के तो नेता बन नहीं पा रहे हैं माननीय, देवताओं के नेता बनाओगे? अच्छा, ऊपर भी राजनीति होती है क्या भैया? तब क्या नारा लगाओगे मोदी जी के लिए? राम नाम सत्य है, मोदी बड़ा भ्रष्ट है। हाँ, राम नाम सत्य है, जुमलेबाज बड़ा भ्रष्ट है, ये नारा लगाओगे क्या ऊपर? ऊपर करेंगे राजनीति है, इतनी लालच। अरे, हमने कहा था कि कौन है ये पनौती, नड्डा जी कह दिए कि नेताओं के ये, अरे देवताओं के नेता है। लो, गिर गई बिजली, आ गया संकट। अरे भैया, इतने पनौती है ये, सटलत गईला, जो इनसे सटेगा वो जाएगा। ट्रंप, ट्रंप की दोस्ती के लिए ट्रंप सटा था ना, क्या हो रहा है ट्रंप का? खटिया खड़ी हो गई वहां उनकी। विदेशी दोस्ती के लिए हिंदुस्तान को दुश्मन बना रहे हो मोदी जी, अपनी नाकामी छुपा रहे हो, दीवाल चुनवा रहे हो मोदी जी। बहुत स्वागत किए थे ट्रंप का, बहुत स्वागत किए थे कोरोना का भारत में तुम। तुम्हारी वजह से फैला कोरोना कई करोड़ देशवासियों की जान ले रहा है रोज, और क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ लोग अब ज्यादा बीच में फोन करके वीडियो रोकने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों, और क्या कर रहे हो तुम लोग? एक हमारा बाबा है, इस आपदा में रामदेव बाबा ने कोरोना की दवा वैसे ही ढूंढ ली जैसे दिल्ली में सलवार ढूंढ ली थी। बाबा, बाबा, बाबा नमस्ते। आंखों की दवा ढूंढी कि नहीं आपने? अपनी आंखों का इलाज कीजिए। पट्टी जो बंधी है ना आंखों पर, पहले वो उतारिए, तब आपको ऐसे दिखने लगेगा। यूं यूं मत करिए, देशवासियों के साथ मजाक कर रहे हो? हाँ, सर्दी खांसी की दवा को कोरोना की दवा बता के व्यापार कर रहे हो तुम भारत में, और दूसरे लोग और सुन ले। ये जो बड़े बड़े अभिनेता थे, साइकिल चला रहे थे जो ट्विटर पर, अनुपम खेर जी, अक्षय कुमार जी और अमिताभ बच्चन जी, मैं विरोधी नहीं हूं आपकी, मैं आपका साथ दूंगी, क्योंकि तब विपक्ष में थे तो आवाज उठाई थी आपने भी सरकार के खिलाफ। ठीक है, अच्छी बात है, विपक्ष में जो रहेगा आवाज उठाएगा सरकार के खिलाफ, वो उसका धर्म निभा रहा है, वो कोई गलत नहीं कर रहा है, अच्छी बात है। तब आपने आवाज उठाई थी कि साइकिल चलाओ, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, गाड़ी तो शो शाइन के लिए है, 2-3 रुपए का पेट्रोल दे दो, गाड़ी पे छिड़क देंगे, गाड़ी जल जाएगी। अब कहाँ गए आप? मैं ये कहती हूँ कि भारतीय बनिए पहले, ये नेतागिरी मत झाड़िए कहीं भी, कहीं भी। सरकार किसकी भी रहे, कांग्रेस की रहे चाहे भाजपा की रहे, जो सच है वो सच है, जो गलत है वो गलत है, आवाज उठाइए आप। आपको क्या लगता है कि मैं कांग्रेसी हूं? ठीक है, मैंने 2012 में चुनाव लड़ा था कांग्रेस से, ठीक है, लेकिन मेरे भी वीडियो उठा के देख लो, कांग्रेस के खिलाफ भी मैं बोली हूं, उनको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि जो गलत है वो गलत है भाई, और जो सच है वो सच है। तुम तो
बह गए अंधभक्तों। और अंधभक्तों तुम जो गालियां देते हो ना महिलाओं को और भाइयों को और पत्रकारों को, गालियां दे रहे हो ना, तुम्हारी वजह से तुम्हारा नेता बदनाम हो रहा है। तुम तो हो ही रहे हो बदनाम, तुम तो पिटा ही रहे हो ढोल की तरह हर जगह, सब बजा रहे तुम्हारी अच्छे से। पर तुम्हारे नेता जो होते ना, जो बेचारे अच्छे भी होंगे विचार के, वो भी अच्छे से जो है लपेटा रहे इसमें। तो जरा सोचो, तुम जो बोलोगे ना उससे तुम्हारे जो नेता होंगे ना उनको फर्क पड़ेगा। और मैं सभी से कह देती हूं, ये जो गोदी मीडिया है ना, दलाल मीडिया, इनका बहिष्कार करो। क्योंकि दलाल मीडिया जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तो बहुत चिल्लाए थे, बाप रे बाप, जहां देखो वहां मोदी जी मोदी जी। ऐसे लग रहा था जैसे मोदी जी खुद गन लेकर चले गए थे वहां सेना पर, बॉर्डर पर। और अब कहीं कुछ नहीं। संकट की घड़ी होती है ना, अभी भी संकट की घड़ी होती थी, कितने भाई बहन पैदल चल रहे थे इनका जीवन के बारे में, या संकट हो रहा है या बॉर्डर पर इतना संकट था, तो ऐसी घड़ी में दलाल पत्रकार क्या दिखाता है ये दलाल मीडिया? देखिए दोस्तों, ये एक मंदिर है और यहाँ मंदिर पर जो है बंदर आता है प्रसाद खाने। हाँ दोस्तों, वही जो काला टिल्ला है वहां पर अब बैठेगा एक बंदर और खाने आएगा भगवान का प्रसाद। हाँ हाँ, देखिएगा, और कैमरा वही टिल्ले पर। अरे क्या सीखेगा भारत ये देख के? अच्छी बात है, मंदिर दिखाओ, कौन ना कह रहा है, दिखाओ, रामायण भी दिखाओ, कौन मना कर रहा है। लेकिन जब देश पर संकट आ रहा है, कुछ सच्चाइयां जो देशवासी देखना चाहते हैं, तब तो दिखाओ, पत्रकारिता तो करो। चाटुकारिता काहे करते हो यार, पत्रकार हो तुम, धब्बा हो साला पत्रकार पर। अच्छे पत्रकारों को सुनिए, मैं तो कहती हूं देशवासी, रविश कुमार को आप सुनिए, विनोद दुबा जी को सुनिए, आरफा शेरवानी मैडम को सुनिए, आप अभिषा शर्मा जी को सुनिए, ऐसे पत्रकारों को सुनिए जो आपको सच्चाई सच्चाई बताते हैं, सच्चाई से अवगत कराते हैं। ये दलाल मीडिया, इनको तो चेक पहुंच जाता है, लगे बड़बड़ करने। इनकी खुद की कितनी बार हवा टाइट होती है, लोग इनको करीखा पोतने जाते हैं, कहां छुपते फिरते हो फिर? आओ ना सामने, आओ बताओ सच्चाई। देखो, कोई नेता पहले नहीं होता, देश पहले होता है। नेताइन पहले नहीं होती, देश पहले होता है। कोई नेता और प्रधानमंत्री भी पहले नहीं, देश पहले, देश की जनता पहले। और देश किससे बनता है? ये कंकड़ पत्थर नदी नाला से बनता है क्या? जनता से बनता है। इनकी समस्या सुलझाओ, करो इनसे लाइव बात, करो, करो, दम है पिछवाड़े में तो करो। एक प्रेस वार्ता नहीं किए प्रधानमंत्री जी? पहले के जितने प्रधानमंत्री थे ना, प्रेस वार्ता करते थे, बताते थे देश को कहां क्या हो रहा है, कहां आविष्कार किया। मैं कहती हूं ना, पेपरों में रोज संकट छपा रहता है, तो वही कह रही हूं कि कौन है ये पनौती, एक भी आविष्कार क्यों नहीं छपा रहता पत्रकारों में, इसमें पेपरों में एक आविष्कार नहीं छपा रहता है? तो प्रेस वार्ता कीजिए प्रधानमंत्री जी, सब आपको सुनना चाहते हैं, देशवासी चाहते हैं कि क्या किया ये अपने पीएम केयर फंड का पैसा, क्या किया, कैसे खर्च किया, क्या आविष्कार किए, कितने अस्पताल बने, कितने विश्वविद्यालय बने। हाँ, 76 अरब जो वर्ल्ड बैंक से आपने कर्जा लिया, क्यों लिया, अर्थव्यवस्था का क्या हुआ, जीडीपी ग्रोथ का क्या हुआ, विकास का क्या हुआ, कहां कहां महंगाई आप बढ़ा रहे हो? अरे ये देश की जनता को जानने का हक है, पूछेंगी आपसे। करिए प्रेस वार्ता, करिए, खुला चैलेंज है मेरा, करिए प्रधानमंत्री जी प्रेस वार्ता करिए। आप रूल अपने हिसाब से आप बदल लिए, दम नहीं है आपके अंदर, आपके अंदर जिगरा नहीं है प्रेस वार्ता करने का। रवीश जी को, अभिषार जी को, विनोद दुआ जी को दीजिए इंटरव्यू, दीजिए, पूरा देश कह रहा है दीजिए इंटरव्यू। और भक्तों, तुम्हारे बाप में इतना दम है ना, तो दे इंटरव्यू, खुला चैलेंज, जाओ देंगे। पहले के इंटरव्यू देखो आप,
पत्रकार भाई पूछ रहे थे मोदी जी से सवाल, तो मोदी जी तुरंत माइक निकाल दिए। मोदी जी कहे दोस्ती बने रहेगी, दोस्ती बने रहेगी, मुझे फोन करना, दोस्ती बने रहेगी। पत्रकार भाई पूछ रहा है, रुकिए मोदी जी क्या हुआ? अरे रुकिए माननीय श्रीमान जी, रुकिए, क्या मैंने पूछ लिया? मोदी जी दोस्ती बने रहेगी, दोस्ती बने रहेगी, क्या है ये? शोभा देता है आपको? नेता हो ना आप, सामना कीजिए, कीजिए सामना जनता का। आपकी जनता है भाई, आपका भारत है, कोई और नहीं है। विदेशियों से दोस्ती कम कीजिए। झूला झूलावन और चाय पिलावन का क्या मतलब हुआ? हुआ कुछ मतलब? सब कहते हैं कोरोना में जो देशवासी है उनकी हालत बहुत खराब थी। अरे हम तो कह रहे चच्चा की हालत बहुत खराब थी, विदेश यात्रा नहीं हो पा रही थी चच्चा की कहीं। गरीबी गरीबी कहकर वोट मांगने आएंगे और विदेशी आएंगे तो गरीबों को ही छुपाएंगे आप? शर्म नहीं आती? बेच खाए हो शर्म आप। और कितने लोग हमको लिखते हैं, रुको तुम्हारा कुछ करते हैं, 2 दिन रुक जा तू, 4 दिन रुक जा काजल निषाद। अरे कर ले भैया, आ हिम्मत है मेरे अंदर, आ सच्ची भारतीय हूं मैं, आ कर, क्या करेगा तू? एक तो साला इनको गोबर नहीं कहना, इनको भड़वा ही कहना चाहिए। एक भड़वा लिख रहा है कि बलात्कार के सीन करने चाहिए। बलात्कार करेगा तू, बलात्कार करेगा तू साले, कर, आ कर, दिखा छूके, तेरे पिछवाड़े में दम है तो। बेलन हिल गया लगता है, तशरीफ रख नहीं पा रहे हो। आ एडजस्ट कर देते हैं, बलात्कार करेगा तू। ऐसी मानसिकता रखते हैं ये अंधभक्त, ये बिल्कुल अलग विचारधारा के हो गए। हिंदू मुस्लिम करेंगे, कोई सवाल पूछो हिंदू मुस्लिम। पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ गए? नेहरू जी जिम्मेदार। विकास का क्या हुआ? इंदिरा जी जिम्मेदार। इसका क्या हुआ? देशवासियों का क्या हुआ? फलाना जिम्मेदार। अब नेहरू है यहां प्रधानमंत्री, हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, ठीक है मानती हूं मैं किसी पार्टी की कभी तारीफ नहीं करूंगी, मानती हूं हर हर गलती के लिए कांग्रेस जिम्मेदार थी, ठीक है। तो तुमने हरा भी तो दिया, उतार भी तो दिया, प्रधानमंत्री को बिठा दिया मोदी जी को, अब भाजपा को, तो अब क्या? विपक्ष में थे तो तुम लोग हंगामा करते थे, सवाल पूछते थे, सेना के शौर्य पर भी तुमने सवाल पूछा है, उठा के देख लो सारा लेखा जोखा तुम्हारा। सेना के शस्त्र जांच करने गए थे तुम विपक्ष में थे तो, तब सेना का मनोबल नहीं गिर रहा था, सेना के वीरता पर सवाल नहीं था, विपक्ष में थे ना, हर बार घेरे रहते थे। श्वेत पत्र जारी कर दिया तुमने कि मुझे बताइए माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप लोग विपक्ष में थे तब बोल रहे थे, क्या हो रहा है बॉर्डर पर, जनता को जानने का हक है, तो अब जनता को जानने का हक नहीं है? अब कुछ सवाल पूछ रहे तो हम गद्दार हो गए। मैंने वही कहा, तुम्हारी सारी महिलाएं जो है ना महान है, वो अभिनेत्री होंगी या हेमा मालिनी जी हीरोइन होंगी तो भी चलेगा, लेकिन बाहर की सारी महिलाएं गद्दार है क्योंकि सवाल पूछ रही है ना। तुम लोगों को चाहिए अनपढ़ और गवार भारतीय, सब तुम लोग को पूजे है क्या? चड्डा पूज रहा है तुम लोगों को? मेरे आराध्य देव शिव का नेता बनाएंगे नरेंद्र मोदी को, है दम? भगवान का नेता बनने का दम है? करे प्रेस वार्ता, दे जवाब जनता के सवालों का, है दम पिछवाड़े में? कभी ध्यान से सुनना, मोदी जी जब बोलते हैं ना, यहाँ के दांत बड़े खराब है उनके, सस्ता नशा फूकते हैं चच्चा, देखना अंधभक्तो, पिताजी को ध्यान से देखा भी करो, बिचारों को सिर्फ लड़ोगे पिताजी के लिए? साले भक्ति करेंगे। ये भक्त भी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक तो गुजराती व्यापारी होते हैं भक्त बिचारे, जिनका कुछ नहीं हो सकता, ये क्या है ना कि ये मुसलमान मुसलमान करते रहते हैं सरकार, लेकिन अच्छे से वाट तो हिंदू की ही लगा रहते हैं,
हिंदू की ही लगाते हैं। ये कितने सालों से किताबों में पाकिस्तान का पाठ पढ़ रहे थे, परीक्षा में चीन आ गया तो चच्चा फेल हो गए, ये बताएगी नहीं गोदी मीडिया। गुजराती व्यापारी जो बेचारे होते हैं, सिर्फ गुजराती ही नहीं और भी समुदाय के लोग, जो व्यापारी वर्ग है ना, वो मोदी जी को बहुत मानते हैं। उनके घरों में आप देखिए, उनके शोरूम में देखिए, उनकी छतों पर, घरों में देखिए, मोदी जी के पोस्टर लगे रहते हैं, चुनाव चिन्ह लगे रहते हैं, कमल खिले रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हालत खराब उन्हीं की है, इसके बारे में कौन बोलेगा, कौन बताएगा? और कुछ भक्त ऐसे होते हैं ना जिनकी अच्छे से लगी तो है, लेकिन बेचारा क्या करे, थूका हुआ चाट नहीं पा रहे हैं ना, ऐसे है ये, बोल नहीं पा रहे कि हाँ सही, हमारा जो महामना है वो गलत निकला, नहीं बोल पा रहे क्योंकि कॉलर टाइट रखना है इनको, यहां से आगे से सूट कॉलर टाइट रखना है, पिछवाड़ा बिल्कुल भगोद्दा बना हुआ एकदम फड़फड़ा फट गया है, लेकिन दिखाएंगे नहीं। यहां आएंगे हमरी बोल पर गाली देने, दो गाली लिखो जितनी आती है ना, माँ बहन से ऊपर तो तुम गाली दे ही नहीं पाओगे, यहीं औरत पर ही समाप्त हो जाओगे तुम लोग, और एक औरत ही समाप्त करेगी तुमको, यही गाली लिखेंगे, दो लिखो गाली साले गधे। कई प्रकार के होते हैं ये प्रजातियों में, कुछ को पता ही नहीं होता है देश में क्या हो रहा है और लिखे रहते हैं यहां बेचारे, भोले भक्त भोले। जो इनके साथ सटेगा ना उनको पनौती लगेगी, तुम देख लेना, हमसे सवाल करेंगे। और सारे मित्रगण जितने हैं मेरे प्यारे अच्छे दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद, जितना हो सकेगा मैं आपका कमेंट भी पढ़ूंगी और लाइक भी करूंगी, वादा करूंगी तो निभाऊंगी, प्रधानमंत्री जी थोड़ी हूं, मोदी जी थोड़ी हूं जो वादा नहीं निभाऊंगी। हाँ ठीक है, धन्यवाद।